अरे कहाँ गए? बैठो। अभी इसको चलो चलिए उठा लो इसको ऐसे टाइम पीछे ना जा पाए। बाराबंकी एसओ जी, क्या हुआ? ये कैसी घटना हुई तुम्हारे साथ? कुछ बदमाश भाग रहा था, उसी में क्रॉस फायरिंग हुई जी। हाँ, तो मेरे भी लग गई, बच गया बस। बदमाश पकड़ में नहीं आए? बदमाश पकड़ में आया, ये पकड़ गया, एक कोई भाग गया। ये बरेठी के पास में है कि ग्वारी के पास में है? मुझे एग्जैक्ट नहीं, वही ग्वारी कहा जाता है, वो जंगल वाला रास्ता। क्या ठीक है जंगल? देवा थाना क्षेत्र में एक अपराधी के आने की सूचना मिली थी, जिसमें घेराबंदी किया जा रहा था। उसके बाद अपराधी को रोकने का प्रयास किया गया, तो उसने पुलिस पे फायर किया, जिसमें एक कांस्टेबल हमारा प्रवीण शुक्ला घायल हुआ। काउंटर फायरिंग में एक अपराधी भी घायल हुआ, जिसकी जब पड़ताल की गई तो वो शेष अपराधी ही है। सतरी थाना क्षेत्र का गैंगस्टर एक्ट का वांछित अपराधी, 20,000 का इनामी अपराधी है। वो काउंटर फायरिंग में उसको भी गोली लगी। दोनों अपराधियों को हॉस्पिटल भेजा गया है और वहाँ से एक बाइक, तमंचा, मोबाइल और कारतूस बरामद हुए हैं। उनको वहाँ से सीलबंद करके विधि कार्रवाई की जा रही है। और क्या हो सकते हैं? क्या आधा दर्जन क्रिमिनल इतिहास था इसका, और अभी और भी इसके आपराधिक इतिहास पता किए जा रहे हैं। अंतरजनपदीय गैंग के रूप में ये ऑपरेट कर रहा था, बहुत ही नोटोरियस अपराधी, लूट और हत्या जैसे जघन्य अपराध करता था ये। अभी घायल हुआ है, इसके एक साथ ही मौके से फरार हो गया है, जिसके लिए कॉम्बिंग जारी है और जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सर, क्या आप कोई घटना को अंजाम देने वाले थे क्या? हाँ, ये इसी बात की सूचना मिली थी कि इस क्षेत्र में भी लूट और अपराध करने की गतिविधियों में है, ऐसे इसीलिए इनकी घेराबंदी की जा रही है।